हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड BTS के सॉन्ग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आप में से कुछ लोग मेरे से कंटिन्यूसली एक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आ रहे थे एक सेम क्वेश्चन कि क्या BTS मेंबर रिच गर्ल को प्रेफर करेंगे या फिर किसी मिडिल क्लास को भी प्रेफर कर सकते हैं या फिर वो सिर्फ और सिर्फ रिच गर्ल को ही प्रेफर करेंगे। एंड जिस तरीके से BTS एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी है, उसी तरीके से क्या वो किसी सेलिब्रिटी को ही प्रेफर करेंगे या फिर किसी नॉर्मल गर्ल को? सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, जो मैं इस वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। ओके दोस्तों, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस याद से कर ले ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले पहुंच सके। एंड साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ एंड आप मेरे से कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके दोस्तों, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दोस्तों, सबसे पहले तो BTS के सभी मेंबर्स की मैंने आइडल टाइप करके वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। उन वीडियोस में मैंने ये बात क्लियरली बोला था कि BTS मेंबर को कैसी गर्ल्स पसंद है और वो कैसी गर्ल को इन फ्यूचर प्रेफर कर सकते हैं। सो अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो आपको इस बात का तो पता ही होगा कि BTS के सभी मेंबर्स को कैसी कैसी गर्ल्स पसंद है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने उन वीडियोस में नोटिस करा ही होगा कि सभी BTS ने एक कॉमन चीज़ बोला है कि हमको एक ऐसी गर्ल चाहिए जो कि हमारी केयर करे एंड हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करे। सो सबसे पहले बात करें कि क्या BTS मेंबर किसी सेलिब्रिटी को डेट करेंगे या फिर किसी नॉर्मल गर्ल को। सो दोस्तों, BTS के सभी मेंबर ने ये चीज़ कॉमन ही शेयर करा कि वो गर्ल कोई आइडल या फिर एक बड़ी सेलिब्रिटी नहीं होनी चाहिए, वो एक नॉर्मल गर्ल होनी चाहिए, वो ज़्यादा फेमस गर्ल ना हो। क्योंकि BTS के सभी मेंबर का कहना ये है कि अगर वो गर्ल ज़्यादा पॉपुलर है, वो फेमस है, देन वो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाएगी एंड वो केयर बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, जिस वजह से हम नहीं चाहते कि वो गर्ल ज़्यादा फेमस हो, एक सेलिब्रिटी हो। इसीलिए वो गर्ल फेमस नहीं होनी चाहिए, वो एक सेलिब्रिटी नहीं होनी चाहिए। सो दोस्तों, आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि BTS मेंबर किसी भी सेलिब्रिटी या फिर एक पॉपुलर गर्ल से शादी नहीं करना चाहते हैं। सो नेक्स्ट बात करें कि क्या BTS मेंबर किसी रिच गर्ल को प्रेफर करेंगे या फिर किसी मिडिल क्लास गर्ल को प्रेफर करेंगे। सो दोस्तों, मैं आपको पहले तो क्लियरली ये बता दूं कि BTS के किसी भी मेंबर ने ये चीज़ कहीं भी नहीं बोला है कि वो किसी रिच गर्ल को प्रेफर करेंगे या फिर किसी मिडिल क्लास गर्ल को प्रेफर करेंगे। सो हम अभी तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि BTS का कोई भी मेंबर रिच गर्ल को प्रेफर करता है या फिर किसी मिडिल क्लास गर्ल को प्रेफर करते हैं। बट मे बी जिस तरीके से BTS मेंबर ने अपनी आइडल गर्ल के बारे में बताया कि वो गर्ल बहुत ही ज़्यादा मेरी केयर करे एंड वो हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे से प्यार करे एंड हमेशा मेरा सपोर्ट करे एंड मुझे टाइम दे। सो इस हिसाब से तो यही लगता है कि BTS मेंबर किसी नॉर्मल एंड मिडिल क्लास गर्ल को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि BTS मेंबर ने क्लियरली ये चीज़ बोला है कि वो गर्ल पॉपुलर तो नहीं होनी चाहिए और वो गर्ल सेलिब्रिटी भी ना हो एंड वो हमें टाइम दे। तो इस हिसाब से तो यही लगता है कि BTS मेंबर एक मिडिल क्लास लड़की को प्रेफर करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे, क्योंकि BTS का जब तक कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक BTS किसी से भी शादी नहीं कर सकते हैं एंड जब BTS डिसबैंड हो जाते हैं तब वो अपने न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे एक नॉर्मल पर्सन की तरह। उसके बाद वो अपने लाइफ में किसी गर्ल को लाने के बारे में सोचेंगे, तब हो सकता है कि BTS मेंबर किसी नॉर्मल गर्ल को शादी करे। क्योंकि BTS से जाने के बाद BTS के सभी मेंबर ने ये चीज़ क्लियरली बोला है कि वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं उस गर्ल के साथ, तो हो सकता है कि वो गर्ल अगर मिडिल क्लास होगी तो BTS मेंबर को इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड वो उस गर्ल के साथ बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि ऐसी एक बात RM ने अपनी आइडल गर्ल में भी मेंशन करा था कि जब मैं उस गर्ल से शादी करूँगा मेरी आइडल टाइप से, देन मैं उसके साथ बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ।
सो मे बी अगर वो गर्ल नॉर्मल है, वो रिच नहीं है, तो इस चीज़ से उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उस गर्ल के साथ नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं एंड वो गर्ल रिच है और एक सेलिब्रिटी है, तो वो उनके साथ एक नॉर्मल लाइफ कैसे जी पाएंगे। बट हाँ, ये सब मैं अपने थिंकिंग के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से BTS के सभी मेंबर ने अपनी आइडल गर्ल में अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड या वाइफ के बारे में बताया है, इस हिसाब से क्योंकि BTS मेंबर ने ये चीज़ कहीं भी रिवील नहीं कराया कि वो किसी रिच गर्ल को प्रेफर करेंगे या फिर किसी मिडिल क्लास गर्ल को प्रेफर करेंगे। सो दोस्तों, इसी तरीके से नेक्स्ट हम वी की बात करें, तो वी ने भी एक बारी यही चीज़ शेयर करा था अपनी आइडल गर्ल में कि मैं ऐसी गर्ल चाहता हूँ जो ज़्यादा पैसे खर्च ना करे। सो दोस्तों, अगर वो गर्ल मिडिल क्लास फैमिली से है तो उसको अच्छे से पता होगा कि हमें पैसे कैसे सेव करने हैं, हमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने। अगर वो गर्ल रिच है तो उसको इन सब चीज़ों की तो बिल्कुल भी केयर नहीं होगी, वो पैसों को ऐसे ही उड़ाती रहेगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतने पैसे होंगे तो वो क्यों सोचेगी पैसे सेव करने का। सो हो सकता है कि वी किसी नॉर्मल एंड मिडिल क्लास गर्ल को प्रेफर करे, क्योंकि उसी गर्ल को अच्छे से पैसे सेविंग करना भी आता होगा। सो इन सब चीज़ों को देखकर कहा जा सकता है कि BTS के सभी मेंबर किसी मिडिल क्लास गर्ल को प्रेफर करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे, वो किसी मिडिल क्लास गर्ल को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उसी को ही पैसे सेव करना एंड अपने हस्बैंड की केयर करना एंड एवरीथिंग जो भी BTS ने अपनी आइडल गर्ल में मेंशन करा है, वो सभी चीज़ें आती हैं। बट दोस्तों, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि BTS मेंबर ने कहीं भी ये चीज़ शेयर नहीं करा है कि वो सिर्फ रिच गर्ल को प्रेफर करेंगे या फिर किसी मिडिल क्लास गर्ल को ही प्रेफर करेंगे। सो ये सब तो फ्यूचर की बात है, अभी आप इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि फ्यूचर तो किसी ने भी नहीं देखा है। हो सकता है कि BTS को कोई रिच ही गर्ल पसंद आ जाए या फिर कोई सेलिब्रिटी ही पसंद आ जाए, तो अभी हमें इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। बस हाँ, BTS का फ्यूचर में कोई भी डिसीज़न हो, हमें उनके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, सो दोस्तों, आप भी मुझे अपने कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है कि BTS मेंबर किसी रिच गर्ल को प्रेफर कर सकते हैं या फिर किसी इंडियन गर्ल को। ओके, सो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हमारे इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ जाना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो इसी के साथ चलते और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी सेफ गाइस। अपना और अपनी फैमिली का जरूर ध्यान रखना।